Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Imad Electronic. Assalamu alaikum दोस्तों, इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं, ये हमारे पास 3 किलोवाट का अल्टरनेटर है जिसकी डीसी वायरिंग नहीं बोल रही थी, यानी ये करंट नहीं बना रहा था। जब हमने इसे चेक किया तो देखा हमने कि डीसी वायरिंग नहीं बोल रही थी। इतना तो आप जानते ही हैं, इसमें एक लोड वाली वायरिंग पड़ती है जो मोटे तार से पड़ती है, एक डीसी वायरिंग पड़ती है जो बारीक तार से पड़ती है। तो दोस्तों, बारीक वाले तार की जो बारीक तार की जो वायरिंग थी वो नहीं बोल रही। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था बारीक वाली वायरिंग की जो क्या नहीं बोल रही है। अब जैसे देख सकते हैं, हम चार फील्ड हैं, फील्डें दो तरीके से बनाई जाती हैं। एक तो चार फील्ड हैं, चारों पे बारीक वाला तार भी चढ़ता है और मोटा वाला तार भी चढ़ता है। और दूसरे तरीके से बनती है कि दो फील्डों पे मोटा तार चढ़ा देते हैं और दो फील्डों पे बारीक तार चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है वो चारों फील्डों पर बारीक भी है और मोटा भी है, टू इन वन फील्ड हैं ये। अब हम इसे चेक करते हैं ये कन्फर्म करने के लिए कि कौन सी हमारी फील्ड में फॉल्ट है, दिक्कत है। तो दोस्तों, अभी मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। यह हमारा सीरीज टेस्ट लेंथ है, क्या करेंगे, ये जो इधर लीड है ये देख सकते हैं, इधर लीड है, ये लोड वाली है और ये डीसी लीड है। अल्टरनेटर तो हमने पूरा खोल दिया था दोस्तों, क्योंकि अल्टरनेटर की वीडियो हमारी पड़ी हुई है पहले से, तो इसलिए हमने अल्टरनेटर खोलने की वीडियो नहीं बनाई। तो अब हम फटाफट चेक कर लेते हैं, ये हमारी डीसी वायरिंग है, देख सकते हैं जैसे नहीं बोल रही। किस फील्ड में दिक्कत है इसे कंफर्म करने के लिए दोस्तों, हमें सारी फील्डों के कनेक्शन खोलने होंगे। तो हम फटाफट से जैसे कनेक्शन खोल लेते हैं, तो हम फटाफट इसे डीसी वायरिंग के तारों को खोल लेते हैं। देख सकते हैं चारों हमने खोल लिए, एक फील्ड ही हमारी ये हो गई, दूसरी फील्ड की हमारी दोनों लीड हैं, तीसरी फील्ड की है और चौथी की है। तो हम चेक करते हैं कंफर्म करने के लिए हमारी किस फील्ड में दिक्कत है। तो सबसे पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ, चेक करने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बता ही रखा है। अभी दिक्कत हमारी सिर्फ डीसी डीसी में, इसलिए मैं डीसी डीसी में इसे चेक कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं ये भी बोल रही है, और लोड वाली भी चेक करेंगे एक बार, लोड वाली भी बोल रही है। अब दूसरी हम ये दो नंबर की भी ठीक है दोस्तों, अब ये इधर देख लेते हैं, ये भी ठीक है, आपस में भी नहीं बोल रही, आपस में भी नहीं बोलनी चाहिए। जैसे ये मोटी, ये बारीक फील्ड है और ये मोटी वायरिंग है, तो मोटी और बारीक आपस में तो नहीं बोलनी चाहिए, जैसे नहीं बोल रही। और अगर हमारी ये आपस में बोल जाती है, जैसे फिलहाल मैंने तार लगाया है सिर्फ दिखाने के लिए, और अगर ऐसे बोल जाती है, ये देख सकते हैं जैसे ये मोटी वायर है और ये बारीक वायर है, तो ये दोनों जैसे आपस में बोल जाती हैं तब भी हमारी दिक्कत आती है, जनरेटर गड़बड़ करता है, लाइट वो शॉर्ट करता है फटाफट। और इसे चेक करते हैं दोस्तों, तो ये लोड वाली बोल रही है, अर्थ भी नहीं है, क्योंकि हमारी लास्ट कॉइल थी तो जाहिर सी बात है इसी में फॉल्ट होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं, जैसा हम देख पा रहे हैं हमारी यही फील्ड गड़बड़ है। अब हम इसे क्या करेंगे, पहले खोल कर फटाफट इसका काम देखेंगे, उसके बाद हम दोबारा से इसे बनाएंगे और फिर फिट करेंगे। तो दोस्तों, फील्ड बनाने की वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, फिर भी फिलहाल थोड़ा सा देख लेता हूँ इसमें क्या दिक्कत है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये पहले फटाफट यहाँ से खोलना पड़ेगा,
तो दोस्तों ये मैंने जैसे फाइनली फील्ड खोल ली है, तो आप देख भी रहे हैं आप, ये दो फील्डें बनी हुई भी थी, काफ़ी टाइम नहीं हुआ, अभी बनी हुई है। लेकिन इतनी जल्दी फॉल्ट इसमें क्यों आया, तो जैसे देख पा रहे हैं ये अभी बारिश भी हुई थी और इसमें ये फील्ड ने पानी पिया है। ये जंग देख रहे हैं, ये पानी का ही जंग है और बॉडी में भी देख सकते हैं, ये पानी आया है जिसकी वजह से इसमें कहीं ना कहीं बस्ट हुआ है। तो दोस्तों देख लेते हैं अब इसे, यही तरीका होता है चेक करने का, खोल के देख लेते हैं बाकी फील्ड बनाकर दोबारा हम इसमें फिट करेंगे। और दोस्तों फील्ड बनाने का बहुत ज़्यादा हार्ड कोई मसला नहीं होता, बहुत इजीली है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है ये फील्ड बनाने। और मैंने फील्ड बनाने की वीडियो अपलोड कर भी रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं अगर फील्ड बनाने की। बाकी इसके डायग्राम का मसला रहा वो दोस्तों मैं अभी दूसरी वीडियो में बता दूँगा जब इसकी मैं फील्ड बनाऊँगा। तो दोस्तों यही थी हमारी फील्ड चेक करने की, अल्टरनेटर चेक करने की वीडियो, क्योंकि इसमें डीसी में कनेक्टिविटी नहीं आ रही थी तो उससे चेक करने की यही वीडियो थी। अब उधर के इसे देख लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching my video and please my Facebook page follow and my video life share.